हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है और देखिए काफी सारी आती है डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक से रिलेटेड तो देखिए हमारा हमेशा पर्पज रहता है कि आप लोगों को सिखाया जाए आप लोगों को बताया जाए कि किस तरीके से जब आप एक पर्टिकुलर स्टॉक को चुनते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्टर्स आप उन स्टॉक्स को चुनते हैं वो चूज करते हैं ताकि आप उसे पोर्टफोलियो में रखे स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से रखे या लॉन्ग टर्म के ट्रेडिंग के पर्पज से रखे आ, किसी भी पर्पज से रखे बट हमारा मकसद हमेशा रहता है कि हम उसमें एटलीस्ट प्रॉफिट में निकले लॉस में ना निकले तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर स्टॉक्स है जो हमने पहले हमने भी डिस्कस किया है काफी लोगों ने डिस्कस किया होगा आपने सुना भी होगा आपने देखा भी होगा आपने टीवी में देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे देखा होगा कैसे भी करके आपने चुना होगा खुद की स्टडी करके चुना होगा बट स्टिल अगर देखिए तो वो स्टॉक एक गिर चुका है तो एक बेहतरीन लेवल पर वो खड़ा है वहां से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बट उसके साथ में एक नेगेटिव पॉइंट अगर बात करें कॉन्स तो प्रॉस तो हमने बताया बताएंगे ही बताएंगे कॉन्स भी है मैं आपको बताना चाहता हूँ तो उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे और उस स्टॉक का नाम क्या है आरती आरती ड्रग्स तो आरती ड्रग्स से रिलेटेड बातें करेंगे बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की, की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे एक वीडियो अभी आई है आराम को सिस्टम लिमिटेड आपको बताइए पहले भी डिस्कस किया था अच्छे खासे बीस परसेंट के रिटर्न हमने कमा के चुपचाप निकल गए थे इस बार दोबारा हम ऐसे ही कुछ करने वाले हैं तो ऐसा आपको स्टॉक बता दिया है देखिए है। प्ले लिस्ट है, को है, है, है कोई पैसा नहीं है किसी तरीके की लाइक करना है कमेंट करना है लाइक जरूर कर दिया करें लाइक से थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ जाता है बाकी वीडियो तो हम इस तरीके से बनाते ही रहते हैं और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके आपको कुछ भी पोजिशन

होती हुई नजर आई है तो आ, और एक कल, एक साइड शेयर चल रहे आठ अक्टूबर से लेके अभी की बात करें तो लगभग लगभग कितना टाइम हो गया लगभग लगभग दस महीने हो चुके हैं और दस महीने में ये शेयर केवल गिरता हुआ नजर आया है भागता हुआ नजर आया है, इवन इफ यहाँ पर बीच में बाई भी आया था बाईबैक के बाद थोड़ा बहुत शेयर भागा उसके बाद दोबारा एक अच्छी खासी गिरावट है क्या हमें इस गिरावट को खरीदना चाहिए या फिर हमें इसे बेच देना चाहिए इससे रिलेटेड देखिए काफी क्वेरीज आ भी रही है और बहुत सारे लोगों को यहाँ

एंड स्पेशलिटी केमिकल्स तो एपीआई और स्पेशलिटी केमिकल्स 100 प्लस कंट्रीज में यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं और ये आरती ड्रग्स लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ऑफ मैट मैटफॉर्मिन फ्लोरो यहाँ पर देख लीजिएगा ये पर पर्टिकुलर um,

एज वेल एज बात करें यहाँ पर मैनकाइंड मेटफे लुपिन लेबोरेटरी लेबोरेट एज वेल एज कॉपरन इंडोको यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंपनीज है इंडोको सिप्ला सप्लाई अबाउट इंडिया यहाँ पर और बात करें यहाँ पर एलंबिक तो यहाँ पर बड़ी बड़ी के साथ ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है एक आइडिया हमें अलावा हम यहां पर आते हैं क्या होता है कि जंप भी तेज आती है, ते है और कब यहाँ पर कितना टाइम के लिए कंसोलिडेट होगा वो भी नहीं कह सकते तो इस चीज को हमेशा माइंड में रखिएगा तो आप इस पर्टिकुलर शेयर को अगर परचेज कर रहे हैं तो इसमें एक चीज में अभी जब टेक्निकल डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा एक सॉलिडेशन का फेज कितना लंबा हो सकता है तो यहां पर आर देखिए 34% की आरओसी है आरओई 35% फाइव के काफी बेहतरीन आरओसी माना जाता है इसे 38% का डेट भी है नो कोई प्लेजिंग नहीं है यहाँ पर इसके अलावा बात करें यहाँ पर रिटर्न ओवर 10 इयर्स में 46% के रिटर्न भी दिए है हाँ, तो ये सारी चीजें इस कंपनी को बताती है कि, कि कितनी बेहतरीन यहाँ पर कंपनी है बाकी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हो तो आपको पता चलेगा कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफी बेहतरीन है बट एक साइड जोन में की बात कर रहे थे जो कि मैं आपको बता रहा था एक लंबा साइड जोन यहाँ पर देखा जा सकता है आप दो हजार छह से लेकर पर, मतलब पर उन्नति नहीं फिर एक साथ एक जम फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन पांच छह साल का फिर एक बार जम फिर यहाँ पर दोबारा शायद इस तरीके का कंसोलिडेशन पीरियड आपको टॉलरेट करना पड़ सकता है तो इस चीज के लिए भी तैयार रहिएगा इसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी की सेल्स अभी भी अगर हम बात करें यहां पर कंसोलिडेट तो हाईस्ट एवर सेल्स है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो हाईएस्ट एवर नहीं है बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम टैक्सेस सॉरी एक्सपेंसेस एज एज वेल नेट प्रॉफिट की बात करें तो हाईएस्ट एवर नहीं है बट कंपनी एटलीस्ट लीस्ट यहां पर प्रॉफिट में है और अपने अगर बात करें इससे पहले कंपनी ने अच्छे खासे बड़े बड़े यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करके दिखाए हैं जब इसका कोविड का यहां पर पीरियड चल रहा था इसके अलावा यहाँ पर स्टैंड ऑन रिजल्ट देखे तो यहां पर सेम यहाँ पर पिक्चर सेम नजर आती है इसके

के 2018 में यहाँ पर बोरिंग थी वो धीरे धीरे गई है सोलह करोड़ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कैश उलैंड की बात करें चार करोड़ का कैश भी है ट्रेड रिसेवल अच्छा खासा है जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर काफी बेहतरीन है यहाँ पर कंपनी की इसके अलावा प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें प्रोमोटर्स की होल्डिंग जैसी बनी है यहाँ पर ना के बराबर कम हुई है बट फिर भी 60 परसेंट से यहाँ पर ऊपर यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर चल रही है ये पर्टिकुलर यहाँ पर, पर प्रोमोटर्स है इसके अलावा बात करते हैं एफ की एफ ने यहाँ पर आ, लास्ट दो क्वार्टर में थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर कम करी है डी की बात करें डी आई ने की यहाँ पर हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है पिछले दो आ, दो क्वार्टर तीन क्वार्टर में इसके अलावा पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास थर्टी की होल्डिंग है जिसमें से दो बड़े बड़े नाम है जिन्होंने अच्छी खासी होल्डिंग ले रखी है तो अगर हम यहाँ पर बात करें चार की हिस्सेदारी घटा देते तो लगभग लगभग uh, 31% की होल्डिंग अभी भी नॉर्मल पब्लिक के पास नजर आती है तो ये तो हो गया इसके फाइनेंशियल्स uh, जो कि uh, अच्छे खासे हैं कोई कमी यहाँ पर नजर नहीं आती इसके फाइनेंशियल्स में और अगर हम बात करते हैं आरती ड्रग्स की तो यहाँ पर हम एक बार बात कर लेते हैं आरती ड्रग्स की तो देखिए हम जैसे कि देखते हैं देखिए फाइनेंशियल आपने देखे है प्रॉफिट Uh, यहाँ पर रिवेन्यू तो इनके अच्छा खासा जनरेट हुआ है बट प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट गिरता हुआ नज़र आ रहा है जिस वजह से कंपनी का थोड़ा सा परफॉर्मेंस यहाँ पर नेगेटिव है एंड दिखाई दे रहा है बट अगर हम देखें तो एक सपोर्ट इसने बना लिया है क्या सपोर्ट बनाया देखिए यहां पर एक सपोर्ट था उसी को यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है दो बार यहाँ पर सपोर्ट बनाया एक बार यहाँ पर सपोर्ट बनाया इसे और दोबारा यहाँ पर इस सपोर्ट पे आ गई है तो सबसे पहले जैसे कि हमेशा बताता हूँ अच्छी अच्छी कंपनी कोई भी आपको टू हंड्रेड डीएमए के आसपास जो कि टू हंड्रेड डीएमए की, की लाइन है इसके नीचे मिल जाए तब उठा लेना चाहिए या फिर उसका जो आर है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आर एस पर चेंज हो रहा है तीस के नीचे मिल जाए तो कंपनी अच्छी खासी यहाँ पर मानी जाती है तो यहाँ पर इस कंपनी को आप यहाँ पर एकुमुलेट कर सकते हैं बट अगर मैं इसके अगर अगर बात करें पास्ट परफॉर्मेंस की तो उससे भी थोड़ा सा रूबरू कराना चाहता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए तो हम अगर हम बात करते हैं इस कंपनी की तो यहाँ पर देखिए तो हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये यह कंपनी यहाँ से देखते हैं एक बार आइडिया तो 27 सितंबर 2016 से लेकर ओके okay, यहाँ पर कौन सा कौन सी डेट है ये है पच्चीस फरवरी 2020 तो लगभग लगभग लग लग चार से पांच साल कंपनी ने क्या परफॉर्म किया है कंपनी ने ना के बराबर परफॉर्म किया है इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तो मतलब इसका कंसोलिडेशन फेज कितना है इसका कंसोलिडेशन फेज हो गया चार साल का कंसोलिडेशन फेज क्योंकि आपको अगर टॉलरेट कर सकते हैं तो आपको देखना होगा तभी आपको अच्छे खास रिटर्न भी कंपनी एक साथ आती है एक साथ भागती है और एक साथ यहाँ पर रिटर्न देती हुई नजर आती है जो लास्ट टाइम भी यहाँ पर इस तरीके से हुआ था फिर भागी फिर एक कंसोलिटे कंसोलिडेशन फेज अच्छा खासा फिर यहाँ पर गिरावट फिर यहाँ पर एक आ, आ, जैसे फार्मा का सेक्टर का वो दोबारा अच्छा फार्मा चला तो उसके बाद यहाँ पर अच्छी खासी रैली आई कंपनी ने एक ही बारी में सातो आठ सौ परसेंट के रिटर्न दे दिए तो यहाँ पर इस तरीके इस तरीके तरीके से दोबारा का कंसोलिडेशन फेज चल सकता है अगर कंपनी के नंबर अच्छे नहीं आते तो कंपनी के नंबर अच्छे आ गए ओके कंपनी यहाँ पर ईयरली परफॉर्मेंस तो दे रही है बट क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी अच्छी खासा यहाँ पर देने लग गई पर प्रॉफिट भी जनरेट करने लग गई रेवेन्यू के साथ साथ तो दोबारा

एक गिरावट में चल रहे है। से ये एक जोन में चल चलती है तो यहाँ पर आप पर स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से ले सकते हैं कि यहाँ पर लिया थोड़ा सा भागा फिर बेच दिया फिर गिरावट हुई फिर खरीद लिया तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग लेवल सबसे अच्छा है यहाँ पर आ, लो रिस्क हाई का पर एक अच्छा खासा लेवल बना हुआ है और यहाँ पर सपोर्ट भी है इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा यहाँ पर नीचे जाएगा और अगर गया तो यहाँ पर और भी नीचे जा सकता है बट इसी तरीके से हम एक और शेयर की बात करें तो देखिए इपका लैबोरेटरी की बात करूं एक लंबा कंसोलिडेशन फेज इसने भी देखा यहाँ पर देखिए यहाँ अगर हम यहाँ से देखते हैं तो बार बार यहाँ पर नवंबर से लेके इस बार तक यहाँ पर नीचे जाता था ऊपर जाता था नीचे जाता था ऊपर जाता था एक कंसोलिडेशन फेज थाने भी आठ नौ महीने का यहाँ पर दिखाया है फिर उसके बाद पर इस बार, इस बार इसने हाईएस्ट बट यहाँ पर आज की डेट में अगर बात करें फिफ्टी टू वीक हाई हाँ आज की डेट में लगा है तो ऐसा दोबारा हो सकता है ओके और दोबारा यहाँ पर अगर हम बात करें आरती डेक्स की तो आरती डेक्स अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है अगर इस बार के रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं के भी रिजल्ट थोड़े से अच्छे आ